उम्र गवाई बिन पढ़े, उम्र गवाई बिन पढ़े, समझ न आई बात, समझ न आई बात, जब समझो तब ही भला, जब समझो तब ही भला, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात। मैं जीत गई, मुझे मेरे कंचे दो। मैं नहीं दूंगा। हार गया तो क्या, मुझे मेरे कंचे दो। अरे बेटा, अपनी बड़ी बहन से भी इस तरह कोई झगड़ा करता है, हैं? तुमने तो इसके सारे कंचे छीन लिए। माली बाबा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हमारे बीच में आने की, ये जीत नहीं सकती है। माली बाबा देखो, मैंने सारे कंचे जीत लिए फिर भी ये मुझे मार रहा। मैं और मारूंगा इसे। छोड़ो मुझे, ये लड़की है, ये जीत नहीं सकती है, इसे हारना ही पड़ेगा। वाह, ये भी कोई बात हुई, मैं क्यों नहीं जीत सकती। ये लड़की है, इसे जीत नहीं सकती है। बेटा, खेल में एक जीतता है एक हारता है, फिर ये तो तुम्हारी बड़ी बहन है। नहीं नहीं, आने दो बाबू को, इसकी खूब पिटाई करवाऊंगा। लो मालिक आ गए। अरे मेरा बेटा। बाबा आज ना उषु की ना बहुत पिटाई करना, इसने ना मुझे हरा दिया है। अरे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे बेटे को तो कोई हरा ही नहीं सकता। और हमारे कंचे भी ले लिए। क्यों उषा, तुमने इसके कंचे लिए और तुमने इसको हराया भी? तुम लड़की होकर कंचे खेलती हो, तुम्हारी ये मजाल? मैं अंदर जाकर तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, खूब अच्छी शिक्षा दे रही है। तुम अभी नीचे जाकर सबसे पहले हवन की तैयारी पूरी कर लो, और उसके बाद राधे से कहना कि मिठाई अभी ठीक कर ले। हाँ, और हाँ, मेहमान आते होंगे, उनकी देखभाल में कोई कमी ना रहे, समझे? जाओ नीचे जाओ, तैयारी करो। क्या है, तुम क्यों तंग कर रही हो मुझे, जाकर खेलती क्यों नहीं? हाँ माँ, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि कल क्या होने वाला है? तुम्हें क्या सब कुछ बताना जरूरी है? मैं थक गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ। क्यों, मैं क्यों नहीं जानूंगी कि कल हमारे घर में क्या होने वाला है? बस बस बेटे, अब बहस बंद करो, जाओ विक्रम भैया के खिलौने समेट के रख दो, अभी पंडित जी आने वाले हैं। हाँ, अरे हाँ, अभी तो मुझे कल के पूजा की भी तैयारी करनी है। किसकी पूजा होगी माँ, कौन कौन आएगा? सब लोग आएंगे बेटा। लेकिन काहे की पूजा होगी, एक बार बता दो ना माँ। बिटिया, कल तुम्हारे विक्रम भाई की पार्टी पूजा होने वाली है, अब समझी? पार्टी पूजा? पार्टी पूजा क्या होती है माँ? ओफो, इसीलिए मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताती, तुम जरा जरा सी बातों पर मेरा दिमाग खाने लगती हो। लेकिन मुझे पार्टी पूजा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ऐसी पूजा हमारे घर में पहले भी तो नहीं। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे कौन बताएगा? अच्छा बाबा, तुम्हारे विक्रम भैया सोमवार से स्कूल जाएंगे, और हमारे यहाँ स्कूल जाने के पहले लड़कों की पार्टी पूजा होती है, अब समझी? और लड़कियाँ, क्या लड़के स्कूल नहीं जाते हैं माँ? क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरी पार्टी पूजा नहीं कराओगी? अरे तुम
लड़की हो और लड़कियां स्कूल नहीं जाती। क्यों लड़कियां स्कूल नहीं जाती है माँ? मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं विक्रम से बड़ी हूँ, विक्रम मुझसे छोटा है, पहले मैं स्कूल जाऊंगी। बिटिया तुम्हें समझाया ना कि लड़कियां स्कूल नहीं जाती क्योंकि उनके स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं होता, उन्हें तो बड़े होकर चूल्हा चौका करना होता है, अपने परिवार की देखभाल करनी होती है। माँ क्या तुम कभी स्कूल नहीं गई? मैं नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गई। क्या तुम्हारा मन नहीं किया स्कूल जाने को? तुमने अपनी माँ से कभी नहीं कहा? क्या तुमने पढ़ना जरूरी नहीं समझा? नमस्कार बहन। आओ पार्वती बहन, स्कूल से आ रही थी? जी हाँ। गांव के लोगों से मिलाई? हाँ अभी तो मिल ही रही हूँ। देखो बहन, वैसे तो ये गांव संपन्न है, गांव के लोग भी मेहनती हैं और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चों की देखभाल, शाला पूर्व शिक्षा, पोषण, आहार सभी कुछ तो मिलता है, पर पता नहीं क्यों यहाँ की महिलाएं फायदा क्यों नहीं उठाती। अब क्या बताऊं बहन, मैं तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती हूँ, घर घर जाकर औरतों को कहती हूँ कि आंगनबाड़ी में आया करो, कुछ सीखा करो, लेकिन ले देकर थोड़ी सी औरतें ही आती हैं, बहुत सी तो अपने पतियों के डर से आंगनबाड़ी का फायदा नहीं उठा पाती। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारी स्त्री जाति जागरूक कब होगी, कब तक हम इस तरह सहमी और दबी रहेंगी। देखो बहन, सदियों से चली आ रही मानसिकता को क्षण भर में बदला नहीं जा सकता, वक्त तो लगेगा ही, इसलिए हमें धैर्य से आने वाली जागरूकता का इंतजार करना होगा, हमें अपने प्रयासों में निष्ठा से लगे रहना है। मुझे लगता है बहन, जब तक हमारी माताएं और लड़कियां शिक्षित नहीं होंगी हम सामाजिक विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते। बहन तुम्हारा वो साक्षरता केंद्र का कार्यक्रम शुरू हुआ? हाँ चल तो रहा है, 5-6 लड़कियां आई भी हैं, लेकिन जो यहाँ का जमींदार विशाल सिंह है ना, उसके आतंक का डर लोगों के मन में ऐसे बैठा हुआ है कि उसके इशारे के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ ठाकुर विशाल सिंह बहुत ही सामंती मनोवृत्ति का आदमी है, अपने पैसे और गुंडागर्दी की ताकत के बल पर सारे गांव वालों को दबा कर रखता है वो, और जानती हो अब तो उसने मेरे कामों में विघ्न डालना भी शुरू कर दिया है। बस यही सब सोचकर कभी कभी मन निराश हो जाता है। बहन इस तरह निराश होकर घबराने या डरने से हम अपने कामों में कैसे सफल हो पाएंगे? ठीक कह रही हो बहन, कभी कभी मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन बहन अब हम 1 से 2 हो गई हैं, अब हमारी समस्याएं जल्दी हल होंगी। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। वो आजकल उषा बहुत उदास रहती है, तो उसे किसी बैग को दिखा दो। नहीं, वो उसकी उदासी की वजह तो आप जानते हैं। क्या? वो अभी बच्ची है, वो रोज विक्रम को स्कूल जाते हुए देखती है, उसका भी मन होता है कि वो स्कूल जाए, पढ़ाई करे। लक्ष्मी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे खानदान में कोई लड़की पढ़ती नहीं, तुम अपने खानदान में पढ़ी थी? लेकिन वो सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन खानदानी परंपरा तो पुरानी ही चलती है,
कोई जरूरत नहीं है उसे स्कूल जाने की। देखिए, मैं आपसे ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप उसे पढ़ने के लिए शहर भेजिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो गांव में लड़कियों का स्कूल खुला है, आप उसमें भेजिए उसे। क्या, गांव में लड़कियों का स्कूल खुला है हमारी इजाजत के बगैर? सरकार ने खोला है, अब आपकी जमींदारी तो रही नहीं कि आपसे पूछकर स्कूल खोले। ठाकुर विशाल सिंह की इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। बंटा, अकीरा, अकीरा, बंटा, अकीरा, बंटा, अकीरा। जी मालिक। मैं क्या सुन रहा हूँ, हमारी जानकारी के बगैर भैरवगढ़ में लड़कियों का स्कूल खुल गया है? अरे मालिक, जे कोई स्कूल है, सरपंच ने कह दिया बड़े पीपल के पेड़ तले स्कूल खुल गया। कौन चला रहा है स्कूल? मालिक कोई पार्वती भाई है। अरे कोई स्कूल थोड़े है, पुरानी चद्दरें ला के बिछा दी है, बच्चे उसी में बैठ जाते हैं और पेड़ों के ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीर टांग दी है। कोई इसको कहते हैं स्कूल चलाना? किसके बच्चे आते हैं? मालिक कल्लू धोबी के और दीना कुमार के और मालिक वो अमीना बहन। हाँ, उसके बस यही कोई दो चार बच्चे। आज वहाँ 5 बच्चे आते हैं, कल 50 आएंगे। आज वो स्कूल पेड़ के नीचे लगता है, कल वहाँ पक्की इमारत होगी। जी मालिक। जी हाँ, के बच्चे से पहले कि पौधा पेड़ बन जाए खाड़ दो उसे। जी मालिक। जी मालिक। चलो फकीरा। चल बंटा। हाँ सुनो, क्या नाम है उस औरत का? हाँ, पार्वती। देखो वो औरत है, उस पे हाथ मत उठाना। अरे नहीं मालिक, औरत पे हाथ कहाँ उठाएंगे हम। और सुनो, जो लोग अपनी लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं उनको भी समझा देना। जी मालिक। जाओ। चल बकीरा। चल बंटा। आज जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। आप ही बताइए, उन गुंडों का किताबें फाड़ना या चाट फाड़ कर भाग जाना या बच्चियों को डांट कर भगा देना, क्या ठीक था? मैं कोई गलत काम कर रही हूं क्या? अरे बहन, वो गुंडे किसी और के नहीं थे बल्कि विशाल सिंह के आदमी थे। मैं सब समझता हूँ। देखिए भगवान दास जी, समझते तो हम भी सब कुछ हैं, लेकिन हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप इस गांव के सरपंच हैं। आप अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जाकर चौधरी को कह देते कि गांव के भलाई के कामों में रुकावट न डाले? बहन, भैरवगढ़ में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो चौधरी से जाकर टकराए। अरे हम तो बस उसकी कठपुतलियां मात्र हैं जिन्हें वो अपनी उंगलियों पर ना चाहता है। और ये गांव के गरीब किसान तो न जाने कब से अपनी जबान बंद किए हुए बैठे हैं। तो ठीक है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं बहन, नहीं। अरे आप लोग चौधरी के स्वभाव को नहीं जानती, उसकी ताकत को नहीं जानती। बहुत कमीना है वो, मेरी मानिए और आप लोग अपना कार्य क्षेत्र बदल लीजिए। नहीं भगवान दास जी, नहीं। अब हम कुछ करके दिखाएंगे। सभी बच्चियां और औरतें अब पढ़ेंगी और यही चौधरी सभी को कहेंगे कि आओ पढ़ो, जरूर पढ़ो। पता नहीं क्या होगा, पर आपका सपना सच हो, मेरी तो यही शुभकामना है। ठीक है, तो फिर चौधरी से सीधे मुकाबले की तैयारी हम करेंगे। चलो बहन। सुनिए, लता की तो कुछ खबर लीजिए।
कितने दिन हो गए। वो क्या सोचती होगी कि भैया भाभी मुझे भूल गए। 2 साल हो गए उसकी शादी को, जिस दिन से विदा होके गई है लौटी नहीं। लक्ष्मी अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। कितनी चिट्ठियां लिखी, मोंगीलाल जी को 3 बार भेजा, लेकिन सुमेर सिंह जी हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। हो सकता है वो किसी बात पर नाराज हो। तो कोई वजह बताए ना। सभी कुछ तो दिया है मैंने, रुपया गहने, लेकिन वो नाराजगी की वजह ही नहीं बताते। मैं सोचती थी आप एक बार रामगढ़ हो आए, बात साफ हो जाती। मैं रामगढ़ नहीं जाऊंगा। मैं वहां जाके अपना सर क्यों झुकाऊं, चाहे लता भैरवगढ़ आए ना आए, मैं रामगढ़ नहीं जाऊंगा। रामदीन, तुम अपनी बहन को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में क्यों नहीं भेजते? देखो बरसों से इसी जमीन पर तुम खेती बाड़ी करते हुए आए हो और आज तक तुम्हारा कुछ नहीं बना। जरा अपनी बहन के भविष्य के बारे में कुछ तो सोचो। अब ठीक कहते हो जानकी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे पार्वती बहन, कब आई रामगढ़ से? कल रात को ही बस से आई थी। अच्छा वो मौसी को क्या हुआ था? क्या होना था, एक तो बुढ़ापा था, 2 दिन बुखार में पड़ी रही, चल बसी बेचारी। अब तुम बताओ आजकल यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या होना था, जो कुछ पहले चल रहा था अब भी वही चल रहा है। यहाँ की औरतें और मर्द हमारी बातें सुनते हैं, कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। वो बेचारे करे भी क्या, सब मजबूर जो है। इस गांव का जमींदार, उसके आतंक का डर इतना फैला हुआ है गांव में। विद्या, रामगढ़ में रहकर मैंने एक योजना बनाई है। योजना? कैसी योजना? ठाकुर विशाल सिंह को सबक सिखाने की। हम उसी के हथियार से उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन कैसे? शायद तुम्हें मालूम नहीं, रामगढ़ के ठाकुर सुमेर सिंह के बेटे से विशाल सिंह ने अपनी बहन ब्याही है और वो 2 साल से मायके नहीं आई। लेकिन क्यों? यही तो बात है। सुन, चल चल। मेरा अच्छा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। मालिक, 2 औरतें आपसे मिलने आई हैं। औरतें मुझसे मिलने आई है? कौन है वो? मेरा ख्याल है मालिक, ये वही औरतें हैं जो गांव में पढ़ाती और आती हैं। ओह, अच्छा। लोग इतवार के दिन भी आराम से नहीं बैठने देते। सुनो, उनको ले आओ और विक्रम को अपने साथ ले जाओ। जी मालिक। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। बैठिए। कहिए कैसे कष्ट किया, क्या गांव छोड़ के जा रही हैं? नहीं ठाकुर साहब, हम इतने बुजदिल नहीं हैं कि इस गांव को छोड़कर भाग जाएं। अच्छा, फिर कैसे आना हुआ? ये कहने के लिए कि मैं इस गांव में बच्चे बच्चियों बूढ़ों जवानों और औरतों के लिए स्कूल चलाने आई हूँ और ये कोई पाप नहीं है। इस गांव में मैं आंगनबाड़ी का काम करती हूँ, महिलाओं और बच्चों की भलाई का काम करती हूँ, ये कोई पाप नहीं है ठाकुर साहब। फिर क्यों आपने अपने गुंडे भेजकर मेरा स्कूल उजड़वाया? क्यों आपने इस गांव के बच्चों को टीका लगने से रुकवाया? क्यों औरतों को आंगनबाड़ी में नहीं भेजा जाता? ठाकुर विशाल सिंह से आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की और तुम हमारी बैठक में आकर हमसे ऊंची आवाज में बात करके हमें डरा रही हो? क्योंकि हमारे पास सेवा और नेकी की ताकत है। हम आपको ये कहने आए हैं कि आप हमारे कामों में दखल ना दीजिए और अपनी अराजकता और सामंती हुकूमत को अब समेट लीजिए। बकवास बंद करो,
बहुत हो गया, मैं औरतों के मुंह नहीं लगना चाहता। यही तो हम भी कहने आए हैं कि आप औरतों के मुंह मत लगिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। मतलब कि लड़कियों को पढ़ने दें ताकि बड़ी होके वो तुम लोगों की तरह नेतागिरी करें, मर्दों के सर पे चढ़े। चौधरी साहब आप गलत समझ रहे हैं, साक्षरता तो इंसान को विनम्र बनाती है, उसके अंदर नेकी और ईमानदारी के गुण जगाती है। बस बस अपना उपदेश अपने पास रखो। देखिए ठाकुर साहब, आजकल जमाना बदल गया है, आप भी अपने आप को बदलिए। और अगर ना बदलूं तो? तो फिर अपनी हवेली में ही रहिए। हम ये बताने आई थी कि कल इस गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खुलने जा रहा है और आपको उसका उद्घाटन करने आना है। क्या आंटी, आप स्कूल खोल रही हैं? आप मुझे पढ़ाएंगी? क्यों नहीं, मैं आपके स्कूल में पढ़ने आऊंगी। जरूर। उषा तुम अंदर जाओ, बढ़िया स्कूल जाने वाली। ठाकुर साहब आखिर कितने दिनों तक चुप करवाएंगे आप उषा जैसी बच्चियों को? पिताजी आप मुझे भी विक्रम भैया जैसे स्कूल जाने दीजिए ना। हाँ बेटे तुम भी आना, जरूर आना हमारे स्कूल में। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग जाती हो या मैं धक्के देके निकलूं? उषा अंदर जाओ, कोई स्कूल वूल नहीं जाना। वाह भैया वाह, ठाकुर विशाल सिंह का खानदान जिंदाबाद, इस घर की निरक्षर औरतें जिंदाबाद। लता मेरी बहन तू अचानक 2 साल बाद? हाँ भैया, मैं आपकी अंगूठा छाप बहन जिसे आपने रामगढ़ के सुमेर सिंह की बहू बनाकर विदा किया था। आपने कभी ये नहीं सोचा कि लता तूने ये 2 साल कैसे बिताए? लता तू मायके क्यों नहीं आई? क्योंकि जब मेरे ससुर जी को ये बात मालूम पड़ी कि मैं अंगूठा छाप हूं तो उन्हें इस बात पे बहुत गुस्सा आया। वो बोले क्या विशाल सिंह इतना पिछड़ा हुआ है कि वो लड़कियों को नहीं पढ़ाता? अगर उन्हें ये बात पहले मालूम होती तो शायद वो रिश्ता हमसे कभी नहीं करते। भैया क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि उस वक्त आपकी बहन पर क्या गुजरी होगी? लेकिन लता मैं किस मुंह से तुम्हें खबर करती? ये जो तुम अभी खानदानी शान की बात कर रहे हो असल में ये सब झूठी शान है। अरे तुम्हारी नाक तो उसी दिन कट गई थी जिस दिन तुमने संगूठा छाप बहन को विदा किया था। लेकिन तू और तब मेरे ससुर जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं लता को तभी मायके भेजूंगा जब वो पढ़ लिख जाएगी। आज मैं पढ़ भी सकती हूँ और लिख भी, सारा हिसाब किताब करना जानती हूँ, तभी तो मेरे ससुर जी ने मुझे मायके भेजा है। मैं तो तुझे देखने के लिए तरस गया था लता। भैया खानदान का इतना अपमान होने के बाद तो जाग जाओ, उषा के साथ अन्याय मत करो। गांव में स्कूल खुलने दो, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुलने दो, सबको साक्षरता का प्रकाश मिलने दो। ठीक है मेरी बहन, मैं अब तक सोया हुआ था, अच्छा किया जो तूने मुझे आके जगा दिया। मुझे माफ करना लता, मैं भटका हुआ था। आप लोग कल स्कूल खोलिए, लता खुद आकर उसका उद्घाटन करेगी, मैं खुद घर घर जाकर सबसे कहूंगा कि चलो साक्षर बनने। जब समझो तब ही भला, जब समझो तब ही भला, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात। पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात। बिना समझ हीरा जन्म यूं ही बीता जात, बिना समझ हीरा जन्म यूं ही बीता जात, जब समझो तब ही भला, जब समझो तब ही भला, जागो तभी प्रभात।
दवाई बिन पढ़े समझ ना आई बात, जब समझो तब